काफ़ी अच्छा गाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी जो आवाज़ दी गई है काफ़ी सुरीली है, क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कितना आपको पसंद आया? देखिए मैं तो एज ए गेस्ट आया हूँ बिकॉज विनस इज़ लाइक माई फैमिली। आज का दौर पहला गोल्ड इज था विनस कंपनी का, उसमें कभी लड़के नहीं जुटा, जैकी शोरव पत्नी ने बोला सीरॉप में प्रोग्राम हुआ था, यस तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कितना साल हो गया आप सोचो, उसमें तो घायल भी हुआ, आज का अर्जुन भी हुआ, आंखें भी हुआ, शोला शबनम हुआ, पता नहीं क्या इतना बहुत पिक्चर, हबीबा भी हुआ मेरा नॉन फिल्म, और आज जो आया बापा का म्यूजिक है, बापा लहरी माई साहब इज ए वेरी टैलेंटेड बट थोड़ा शाई है, वो कैमरा का सामने आने के लिए थोड़ा शर्माता है, तो ऐसे भी वो नहीं है सीन स्टेज, तो ही टोल में बस बाबा तुम जाओ चंपक जी का फंक्शन है, मेरा गाना है, और ये गाने के लिए चंपक ने बहुत मेहनत किया, मेरा जब घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैंने बात करते थे तो चंपक भी बहुत इनिशिएटिव दिया ये गाने, इसके लिए इतना अच्छा गाना हुआ सब, इसे इसे टीम वर्क, इसे टीम वर्क, एंड आफ्टर द सॉन्ग द पिक्चराइजेशन मिस्टर रॉय डायरेक्टर इतना अच्छा पिक्चर किया, और शहनाज ना फराद अन सारा इतना अच्छा किया, मैं फर्स्ट टाइम देखा इतना गुड लुकिंग, और गाने का जस्टिफाई किया, एक रोमांटिक गाने का जस्टिफाई किया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने पापा का म्यूजिक बोल के नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन वैल्यू वंडरफुल, कोई आज तक तो मैं देखा नहीं कोई एक सिंगल सॉन्ग को इतना अच्छा से प्रोडक्शन वैल्यू होता है, वंडरफुल लोकेशन, वंडरफुल कोरियोग्राफी, वंडरफुल डायरेक्शन, ऑल द बेस्ट फॉर वेनस दिस सॉन्ग जागी आँखों में तू। देखिए प्रोडक्ट तो हमने बनाया, हमें पता है कि मतलब जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू हुई है और जिस तरह से सारे आर्टिस्ट इसमें कंबाइन हुए हैं, सबसे पहले बप्पा इतना मेहनती लड़का है, मुझे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उस लड़के से, ये तो अभी एक गाना आप देखिए आगे फ्यूचर में वो कितना कमाल करेगा, और फिर जो टीम बनती है जैसे फिर उसके बाद लिरिक्स राइटर आते हैं गुलरेज साहब या सिंगर आते हैं अपने अमित मिश्रा और पाला, तो ये सब ये सारा ऑडियो का जो डिपार्टमेंट है वो इतना मजबूत बन गया, तो हमें तो गाना तो पहले ही हमें पता था ये गाना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि और ऊपर से दादा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, क्योंकि पूरी जो हम काम कर रहे थे उसमें हम दादा की एडवाइस बराबर लेते जा रहे थे कि कहीं हम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे या कहीं गलत तो नहीं जा रहे, तो हमेशा इनका हमारे पर सपोर्ट रहता था कि नहीं चंपक तुम सही जा रहे हो, ये सही है, तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे को सब पूरी टीम को। ये होने के बाद जब हम पिक्चराइजेशन पे गए तो भी हमने लड़की ज़ारा जो नई लड़की है उसको सिलेक्ट किया, उसने पहले भी थोड़ा काम किया हुआ, फराद ने भी थोड़ा काम किया हुआ, तो अब स्टार भी आ गए हमारे पास, फिर डायरेक्टर ने इतना अच्छा खूबसूरती से लोकेशन, उसके कॉस्ट्यूम, अपना मिस अक्षय जैन ने उसकी कोरियोग्राफी, मतलब हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट देंगे तो ही ये प्रोडक्शन होता है, यू नो पैसे से शूट नहीं होता है, आप देखिए पैसा तो आप एक कितने करोड़ों रुपये लगा दें फिर भी गाने में जान नहीं आती, यू नो तो मेरे कहने का मतलब एक तो सोल सबका लगा रहता है और कंबाइंड टीम होती है, पैसा कोई वैल्यू ज़्यादा रख, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है कि फिर अगर आपका डिपार्टमेंट ही कमज़ोर है तो पैसा कुछ नहीं कर सकता, तो सब लोगों का एक कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये गाना इतना खूबसूरत बना, और मुझे लगता है कि ये यंगस्टर आज की जनरेशन को बहुत पसंद है। हाँ मैं तो बोला लात में माइक लेके बोला आई एम मिसिंग पापा, बिकॉज इतना अच्छा फंक्शन चंपक ने किया, हाँ वही हम मिस हो गया। एनीवे आप लोग दुआ कीजिए, आप नहीं इसका सक्सेस पार्टी करेंगे ना दादा, हाँ सक्सेस पार्टी, देन वी विल कॉल पापा सक्सेस पार्टी, बहुत बहुत पुराना, मैं तो इतना छोटा था, मैं हार्डली आई वाज 17-18-19 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, गणेश जी रतन जी एकदम यंग, हम लोग तो बच्चे थे इनके सामने, इनके घर आना जाना पूरा दादा का हर एल्बम जो पिक्चर किया कंपनी में रिलीज हुआ, पिक्चरें भी कंपनी में रिलीज हुई है, सो इतना बड़ा एसोसिएशन, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। आज क्यों कर रहा तो जागी आँखों में तू ही तू, ये है बस, बाद में करेंगे ना बैठ के, न्यूज तो है ऑलरेडी एवरीबॉडी नोज अटल जी बायोग्राफी, मैं कर रहा हूँ म्यूजिक, और
उनका ही कविताओं के, उनको कविताओं को मैं धुन बनाया, तो आगे की बात है, अभी यही है जागी आंखों में कभी तो तू। ये कविता बोलेंगे तो रोमांस चला जाएंगे। क्या दोनों चीजें अलग, आधे घंटे का स्लॉट बज जाएगा? नहीं नहीं, उनका जो मेन सॉन्ग है भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है, हिमालय जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। इसी में आपने बनाया था? This is the theme song. डेफिनेटली बाबा के साथ तो मुझे बहुत काम करना है, तो शुरुआत हुई है कि जस्ट से स्टार्ट, और स्टार्ट इतना खूबसूरत हुआ है तो आप देखिए अंजाम क्या होगा। तो बहुत खूबसूरत काम है, और मैं बहुत हमेशा पापा, जब मैं छोटा था तब दादा के घर पे जाता, तो पापा बहुत छोटा था तो वो बहुत उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। आई थिंक जय वीरू तुम्हारा, हां करेक्ट, दैट वाज अ बिग हिट। जय वीरू ऑडियो नहीं, ऑडियो था ना? हां अपना था, जय वीरू तुम्हारा था? हां अपने जय वीरू पापा का, कैनोले फिल्म का, कैनोले पापा का ही था। तो इतना फैमिली रिलेशन रह चुका है, तो हम लोग काम बहुत घर की तरह कर सकते हैं। वेलस का ही। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विद यू। आप लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच। रिलीज हो रहा है डिस्को डांसिंग स्टार।